नमस्कार मित्रों, श्री राधे। और आज भी आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं इस समय इंदौर में हूँ, और इंदौर में मैं इस समय जन्मांक विश्लेषण कर रहा था। तो हमारे पास महेश शर्मा जी आए हैं, जो हमारे वीडियोस के उपायों से जीवन में कुछ विशेष लाभ लिए हैं। लाभ आप लोगों ने भी बहुत सारा लिया होगा, लेकिन इनका विश्वास जो हमारे इस विद्या पर जो गहरा है, उस विश्वास का फल कैसे मिलता है, जैसा कि हमने कई बार अपने कार्यक्रमों में भी आप लोगों को बताया है कि विश्वास का फल बहुत मीठा होता है और फायदेमंद होता है। तो महेश जी हमारे सामने ही बैठे हैं, और मैं महेश जी से ही पूछता हूँ कि इन्होंने कौन कौन से उपाय विशेष किए हैं और उसका खास लाभ क्या हुआ है। महेश जी की तरफ मैं अब ले आ रहा हूँ। जी महेश जी। श्री राधे। मैंने एस्ट्रोफेन के लोंग वाले उपाय किए हैं, जिससे डॉक्टर की जो बीमारी थी मेरी, जो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई थी, वो इनके एक उपाय से बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर को पता भी नहीं चला वो बीमारी कहाँ गई है अभी तक। क्या बताया था डॉक्टर ने? कि डॉक्टर ने बोलता था इनके लिए ये अहमदाबाद जाना पड़ेगा, गुप्तांग में जो पानी रहता उनकी समस्या थी। अच्छा, अंडकोश में वृद्धि के। अच्छा, और इससे हाँ मैंने भी ये कर लिया तो ठीक हो गया। ये विश्वास है मित्रों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लौंग का विशेष प्रभाव रहा। लेकिन महेश जी कहाँ से हैं आप? मैं पेटलावास से। पेटलावास। अच्छा 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 झाबुआ के पास। कब से आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम? 2017 से देख रहा हूँ। 2017 से देख रहे हैं। 2017। और छोटा मोटा ज्योतिष का तो अब आपसे भी इलाज होने गुरु लगा ही आप। हाँ, और इन्होंने ज्योतिष में इतना इंटरेस्ट रखा है। अविवाहित योग कैसे बनता है बताइएगा, कुंडली में कैसे बनता है विवाहित? द्वितीय और सप्तम का संबंध अष्टम या द्वादश से होता है, तो व्यक्ति हमेशा कुंवारा ही रहेगा चाहे कितने भी योग कर ले। भाग्य बदलने के सारे योग पता है, बहुत सारे योग। चलिए, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। आप लोग भी मित्रों कई बार पूछते हैं ना कि जो है ये उपाय काम करता है नहीं करता है, कोई तो बताए। हालांकि मैं टेस्टिमोनियल्स डालता नहीं हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आदत नहीं। लेकिन आज इतना प्यार इन्होंने दिया हमको, महेश जी आए, इतना प्यार किया इन्होंने, इतना भरोसा जताया कि आनंद आ गया। और बहुत मैंने इनका साथ भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और हम लोग अभी इनके जन्मांक पर ही विश्लेषण कर रहे हैं, और मैं इनको इंस्पायर कर रहा हूँ कि ज्योतिष का कार्य भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मोबाइल के मैकेनिक हैं, मोबाइल ठीक करते हैं। और देखिए, ये माँ सरस्वती की कृपा जब जिस पर हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जा पर कृपा करो जनजानी, कभी उर अजीर न जावे। विधि होई नाथी तुमोरा, करे सो बेगी दास में तोरा। देखिए, ये भी चौपाई भी इनको याद है। बहुत बढ़िया महेश जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से भी। थैंक यू सो मच। आप अभी इंदौर में हमसे कल भी मिल सकते हैं। नमस्कार। होलाष्टक अनुष्ठान 21 मार्च से 28 मार्च आयोजित हो रहा है। सम्मिलित होने के लिए जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए और मुलाकात करके रजिस्ट्रेशन करवाइए, या घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।